विकास दुबे के फेक एनकाउंटर के मामले में रिटन कंप्लेंट ईमेल के द्वारा सबमिट की है। मैंने इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग और सीबीआई की जांच उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज के मार्गदर्शन में होनी चाहिए ऐसी मांग की है। मेरी मांग का कारण यह है कि विकास दुबे खुद जाकर के महाकाल के मंदिर में मीडिया के समक्ष में सरेंडर करता है। मेरा बोलने का कारण यही है क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं और मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया, तो इससे यह साबित होता है कि उसका खुद का इंटेंशन भागने का नहीं था। विकास दुबे पुलिस को कॉपरेट करता है और पुलिस उसको मध्य प्रदेश पुलिस के थ्रू हैंडओवर लेकर के उत्तर प्रदेश लेके जाती है। मीडिया पॉइंट टू पॉइंट एव हर जगह पर विकास दुबे को फॉलो करती है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि सुबह में इस घटना घटने के पहले मीडिया को भी उस जगह पे जाने से रोक दिया जाता है और विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में 20 से 30 पुलिस वाले वहां पे रहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के वेल ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, जो कि एक छोटे से अपराधी को जो एक पिस्तौल लेकर के भागने की कोशिश करता है और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। जबकि पुलिस वाले इस मामले में लेकर के ऑलरेडी पुलिस वालों ने 2-3 एनकाउंटर पहले भी किए हुए थे और उससे उन्होंने कोई सबक नहीं लिया क्योंकि उसके साथी भी भागने की कोशिश में मारे जा चुके थे, लेकिन पुलिस का पहले से इंटेंशन था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस मामले में बड़े बड़े पुलिस के उच्चाधिकारी, बड़े बड़े राजनेता इन्वॉल्व हैं। इसके लिए पूरे के पूरे मामले को दबाने के लिए विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। मेरी इस मामले में इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने लेटर लिखा है और उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें